अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह के फजल व करम से सिकंदराबाद पार्लियामेंट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का मैं उम्मीदवार सैयद साजिद अली यहां से कांटेस्ट करने जा रहा हूं। अनखरीब इलेक्शन आने वाला है, 30 तारीख की पोलिंग के दिन यहाँ की आवाम से मैं अपील करूँगा कि हर बार यहाँ पे लोग सिकंदराबाद पार्लियामेंट में 48 से 52% पोलिंग करते हैं, इस बार आप 70 से 75% पोलिंग करें, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है आपका जिसका इस्तेमाल करना आपको ज़रूरी है। मैं बार बार लोगों से जहाँ पर भी जाता हूँ ये चीज़ की अपील करता हूँ कि वोट का ज़ाया होने मत दीजिए, और ख़ासतौर से नौजवान तबका जो घर में बैठ के मैचेस हुए देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, उन लोगों को बोलिए कि 5 साल में एक बार आपको मौका आता अपने किस्म का लीडर चुनने का। आपकी जो काहली है, जो आप अलसीपन जो करते हैं घर में जाकर वोट नहीं डालते, उस वजह से लीडर भी आपको अलसी मिलता है। आज अंजन कुमार यादव को देख लीजिए, बेचारे 10 साल से कोई चीज़ के बारे में उनको मालूम नहीं, कोई उनके तरफ से काम नहीं हुआ। सो मैं आपको ये चीज़ का तहखून दिलाता हूँ कि मेरे सदर भैया जगन मोहन रेड्डी एक नौजवान चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह होने वाले हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर की क़यादत के अंदर मैं काम कर रहा हूं, तो मैं भी एक पढ़ा लिखा काबिल नौजवान हूं जो अपने कारोबार से हर चीज़ से मैं वक्त निकाल के आवाम की खिदमत के लिए आया हूं। और सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से मेरा नाम उम्मीदवार बनाया गया मुझे, तो मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके तेलंगाना के अंदर में हमारा जो यूनाइटेड आंध्र का स्टैंड था, हम लोग तेलंगाना के ख़िलाफ़ नहीं थे, हम ये चाहते थे कि तीनों भाइयों की भलाई होना। उन्होंने एक भाई की बात कर रहे थे, तीनों की भाई कर बात कर रहे थे, और हमारे तरफ से राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में तेलंगाना के तमाम लोगों को सीमा आंध्रा से ज़्यादा फायदे हासिल हुए, चाहे वो आरोग्यश्री हो या और कोई दूसरे स्कीमा थे। राजशेखर रेड्डी साहब के स्कीमा के डेटा आपके पास बड़ा हुआ देख लीजिए, ये तो कांग्रेस की एक चाल थी कि दो जनों को लड़ाने के लिए तेलंगाना का मुद्दा निकाले। आज अगर तेलंगाना में TRS से अगर ऐसा रहती तो आज उन्होंने पूरे सीट जीत के आते थे। हम यहाँ पर बिल्कुल पावरफुल है, 20 से 22 सीट जीतने का हमारा इम्कान है, 4 MP सीट जीत के आने की भी हमारी कोशिश है, अल्लाह चाहे तो हम इसमें कामयाब होंगे। तेलंगाना की आवाम राजशेखर रेड्डी साहब को अपने दिल में रखती है, आवाम भूली नहीं है। उसी तरह उनके जानशीन जगन मोहन रेड्डी साहब की भी मदद करके, उनके हक में वोट करके, पंखे के निशान को वोट करके भारी अक्सरियत में हमारे उम्मीदवारों को जिता के लाएंगी। पहली बार ऐसा हुआ कि माइनॉरिटी की तरफ से 3 MP कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, महबूब नगर, सिकंदराबाद और जहीराबाद। आज तक कोई हुकूमत तेलंगाना के अंदर नहीं थी, फिर हम कैसा तेलंगाना के खिलाफ है भाई? तेलंगाना के अंदर तेलंगाना की आवाम के फ़ायदे के लिए बनी सो पार्टी वाईएसआर कांग्रेस है। हम सबसे ज़्यादा तेलंगाना वालों के दिलों में हैं, और तेलंगाना के लोग इस तरह को बाखूब जानते हैं, इसका जवाब पोलिंग के दिन वो लोग अपना वोट डाल के हमारे हक में आपको दे देंगे। मैं अपील करता हूं कि आप अपना पोलिंग 70% से ऊपर करिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का निशान पंखा सीलिंग फैन है, वहाँ के MLA और MP के लिए आप अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से हमें जिता करके लाइए, और बाकी रुके हुए काम अपने करवा लीजिए। हम आपके बीच में रहने वाले आए आवाम की पार्टी है, आपके लिए एक आसान काम यह रहेगा कि वाईएसआर कांग्रेस को जिता करके लाने के बाद अपना काम आप आसानी से ले सकते हैं। शुक्रिया। हाँ सर।